आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की भाजी और मसूर की दाल की करी। टेस्टी और हेल्दी करी बनती है, आप लोग सब ट्राई करिए। ऑन कर लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। आधा कप ऑयल, ऑयल गरम होने के बाद में हम कटी हुई प्याज को ऑयल में डालते हैं। प्याज को पूरा लाल होने देते हैं, बादामी रंग का होने देते हैं प्याज को। अब प्याज लाल हो चुकी है, अब इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डाल लेते हैं। जो हमने हरी मिर्ची काट कर रखी है उसे हम तेल में डालते हैं। इसके साथ हम आलू को भी डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छे से लाल होने देते हैं। प्याज और मिर्ची और आलू अच्छे से, प्याज आलू और मिर्ची अच्छे से भुनी गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे पालक की भाजी, जो हमने काट कर धोकर रख ली है वो पालक की भाजी हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर छाप कर रखते हैं। अब इसे खोल के देखते हैं, पानी सूख चुका है, इसे मिला लेते हैं। भाजी में जो पानी है वो सूख जाना चाहिए। अच्छी तरह भूनिए, भूनने के बाद जो मसाले हैं वो मसाले डालिए इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक जायके के हिसाब से, हल्दी पाउडर 6 चाय के चम्मच से, धनिया पाउडर 6 चाय के चम्मच से। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद फिर से थोड़ी देर के लिए इसे ढक दीजिए, थोड़ी देर के लिए इसे ढक दीजिए। एक बार इसे देख लेते हैं कि पानी सूखा है कि नहीं। पानी सूख चुका है, एक बार इसे देख लेते हैं कि पानी सूखा है कि नहीं। पानी तो सूख चुका है। अब इसके अंदर हम फिर से भून कर इसमें मसूर की दाल डालते हैं। अब मसूर की दाल जो हमने पहले से धोकर भिगो कर रखी थी वो मसूर की दाल हम इसमें डालते हैं। आधा कप मसूर की दाल, आधा कप मसूर की दाल डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे इसके अंदर।
हम इसमें आधी ग्लास पानी ऐड करते हैं। आधी ग्लास के करीब हमने पानी ऐड किया है। चाहे तो अभी थोड़ा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको फिर से ढककर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, दाल गल चुकी है। थोड़ा सा धनिया के पत्ते डालते हैं इसमें। अब ये पक चुका है, इसमें अब सर्व करते हैं बॉल में निकाल के। अब एक बॉल में निकाल के सर्व करते हैं। अब गरम गरम रोटी के साथ इसे खाइए। लजीज, बेहद लजीज पालक और मसूर की दाल की रेसिपी करी, ज़रूर आजमाइए। आप लोग भी घर में बनाइए अवश्य। घर में बनाइए। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।